नाही तर 32 टीमच्या सर्वांचा एकच होता का ही ट्रॉफी उचलायची, तोच आमचं स्वप्न आहे, तिथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. आज सिद्धेश भास्करचा संघ आणि तुझा संघ जर आपण पाहिलं तर दोन्ही ताकदवर संघ आहे, परंतु तुझ्यामध्ये तू कितपत चांगलं योगदान दिसेल आपल्या संघासाठी. जेवढा योगदान देण्याचा प्रयत्न येईल तेवढा योगदान आम्ही 100% देण्याचा प्रयत्न करू. लास्ट क्वेश्चन, काय म्हणशील स्पर्धेबद्दल? नो डाऊट, जे जे स्पर्धेबद्दल असं बोलायचं असं काही ठेवलं ना मंगेश दादाई, एक नंबर स्पर्धा. येस, थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक. तर हा होता ओंकार पाटील मान्यवरांचा आभार. दादांना आपण या ठिकाणी विराजमान करूया आपल्या VIP डाईज वरती आणि जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये प्रवीणजी दुगाडे यांच्याकडे. थँक्यू. परेश करके देखिए, ये मैच ऐसा है कि योगेश पेंडकर भी जानते हैं, अपोजिशन का अगर एक भी स्कोरिंग शॉट लगाए तो मैच उनके पास जा सकता है, क्योंकि ये लो स्कोरिंग मैच है. रन बॉल लगभग 8 रन 3 गेंदों में आ चुके हैं, 33-30 गेंदों में बनाने हैं. मूंगफलिया वाले देखिए मेहनत कर रहे, अपना पेट पाल रहे हैं, और ऐसे मेहनती इंसान मुझे पसंद आते हैं. इस RPL के माध्यम से देखिए खिलाड़ियों को भी मौका मिल रहा है, हम कॉमेंटेटर, हम स्कोरर, 24 लाइव इवेंट्स को भी मौका मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, अंपायर्स को भी रोजगार मिल रहा है. लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट खेला परेश कड़के ने, बाउंड्री हासिल की, ओवर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. लगातार 3 बाउंड्रीज लगाने वाले 15वें बल्लेबाज रहे इस RPL में. टोटल 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी. ये मैच ऐसा है कि एक दो ओवर अगर आपके बुरे गए तो पूरी भसे की चैंपियंस वहां, और फंस चुकी है 12 रन पहले ही ओवर में. और ये देखिए अब परेश कड़के का कड़क बल्ला, 12 और 4 बनेंगे 16. आकाश तारेकर देखिए क्वीट कार के रेस में है, फिर भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर है. 32 में ज्यादा से ज्यादा वो रन बनाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारा जो साथी है परेश कड़के इस वक्त इस RPL में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो लो स्कोरिंग मैच है, उन्हें खेलने का ज्यादा मौका दिया जाए ताकि अगले मैच में उसका फायदा हो सकता है यहां से जीतने के बाद. ये सोच होनी चाहिए एक कप्तान की. और ये देखिए अब परेश कड़के ने मानो इस मैच को ही पूरा किया है, 16 और 6 बनेंगे 22. परेश कड़के ने ऑर्गेनाइजर मंगेश जी वाकड़ीकर का भी काम हल्का किया है, समय बचाया, जो समय की अहमियत है सुपर 16 के लिए. देखिए हमारे मंच के ऊपर प्रीतम दादा मात्रे, इन्होंने कहा कि जीत के बाद इतने जोशीले मत हो और हार के बाद इतने निराश भी ना हो, ये संदेश उन्होंने दिया और ये सही भी है. जीत के बाद तो उस जीत को किस तरह से हम कायम रखें उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, और जो हार मिली है गलतियों की वजह से उन गलतियों को सुधार कर उस हार को जीत में तब्दील किस तरह से करें, ये इंसान को सीखना आना चाहिए. बड़ा नेता बड़ी सोच. हाँ, निश्चित तौर पर कई प्रोग्राम्स में मैं प्रीतम दादा के साथ मिला हूं, हमेशा हंसता हुआ चेहरा, हमेशा हर कार्यकर्ता उनके पास जब कोई भी सवाल लेके जाते हैं तो उनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर देने करने वाला नेता. नेतृत्व का गुण यह होना चाहिए. 11 की आवश्यकता है, 22 रन बन चुके हैं इस ओवर में. अगर आकाश तारेकर रन बनाते हैं 11 तो और ज्यादा होगा मजा. हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा, 10 की दूरी है, बहुत ज्यादा गेंदें बची है, 23 गेंदे हैं, मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर भी बचा हुआ है. योगेश पेंडकर फाइट तो जरूर कर रहे हैं या फाइटर जेट, लेकिन
अगर हम देखें संकेत पाटिल बबलू नाम से मशहूर, उतनी ही ज्यादा उनकी गेंदबाजी मशहूर होनी चाहिए, लेकिन परेश कड़के वन कड़क शॉट, चार रन मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। देखिए इस आरपीएल की धुन की वजह से जो पोलादपुर यंगस्टर पोलादपुर यहां से जा चुकी है खेल के, भले ही उन्होंने आरपीएल में उतना कुछ नहीं किया, लेकिन एक बड़ी ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट पोलादपुर में आ रही है आने वाले मार्च में साखर में, जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब साखर पोलादपुर द्वारा, जरूर मैं उसकी अनाउंसमेंट भी करूंगा। ये आरपीएल की सफलता है कि रायगढ़ के कोने कोने में अब बड़ी प्रतियोगिताएं हो रही है। पांच की आवश्यकता महज क्या छक्के के साथ धोनी फिनिशिंग स्टाइल टच हमें आकाश तरेकर कप्तान द्वारा देखने का मौका मिलेगा। जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब साखर पोलादपुर ऑर्गेनाइज, पहली इनामी राशि मार्च में ये प्रतियोगिता होगी, 2,00,000 रुपए और दूसरा इनाम होगा 1,00,000 रुपए, 11 और 12 मार्च अपील की गई थी यहां पर। आकाश तरेकर सम्मान कर रहे हैं गेंदबाजों का, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां पर मुकाबला तो उनके पाले में आ चुका है, लेकिन अच्छी गेंद पर सम्मान करेंगे तो एक खराब गेंद के ऊपर प्रहार कर इस मैच को वो खत्म भी कर सकते हैं। 16 व्यावसायिक टीमों की हिस्सेदारी होगी साखर पोलादपुर जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब, ये 11 और 12 मार्च को ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगी। आकाश तारेकर ने खोद के निकाला लेकिन सीधा फील्डर के सामने, 28 रन महज 5 रन की दूरी है, 2 डॉट गेंदें निकाली गेंदबाज ने, ओवर नंबर 3 में यह मैच जा चुका है। अरे प्रीतम दादा मात्रे, खरतर तुम्ही आमच्या कार्यक्रमाला आलात आणि या खेळाडूंना प्रोत्साहित करण्यासाठी या स्पर्धेच्या सर्व ट्रॉफीज तुम्ही आम्हाला दिल्यात, तुमचं मनापासून धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओंकार पाटिल, टॉस किसने जीता है आपके खिलाफ? सिद्धेश वास्कर, फील्डिंग करने का उन्होंने फैसला लिया होगा। तो इसी के साथ इस मैच को खत्म किया परेश कड़के ने, और परेश कड़के को शुभकामनाएं आ चुकी है मुरबाड़ विभाग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख श्रेयस तेलवणे द्वारा, मंगेश जी वाकड़ेकर को भी उनके द्वारा शुभकामनाएं आ चुकी है आरपीएल सीजन 3 के लिए। तो यह मैच आसानी के साथ रॉयल कलमोली ने जीता, और अब मुझे लग रहा है कि आकाश तारेकर के नेतृत्व में वो पुराने दिन रॉयल कलमोली के वापस आ चुके हैं, और उनका मुकाबला भी सुपर एट में किरण पवार से होगा। लेकिन ये देखिए, ये लो स्कोरिंग मैच था, इसका मतलब है गेंदबाज को मिलेगा मैन ऑफ द मैच। लो स्कोरिंग मैच है, सीधा सा गणित है, परेश कड़के ने 10 गेंदों में 33 रन जरूर बनाए होंगे, लेकिन